हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो तुम सब लोग? मैं आ गया हूँ एक और व्लॉग के साथ। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, तो अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ और वो व्लॉग बनाने के लिए मैं बाहर निकला हूँ। तो मैं आ रहा हूँ बाहर। तो बाहर मैंने क्या देखा कि वो मेरे पीछे, यहाँ अगर आप दूर देख सको तो वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ लगभग 5 क्रिकेट ग्राउंड हैं, कबड्डी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, तो मलखावाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इतने सारे ग्राउंड हैं और क्रिकेट के शौकीन तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। और अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो क्रिकेट से मुझे बात याद आई कि बाबर आजम, हाँ, पाकिस्तान में इंग्लैंड आया, इंग्लैंड की टीम आई हुई है और यहाँ सीरीज़ चल रही है और वो खेल रहे हैं। तो आजकल हर जगह पे बाबर आजम हो रही है, बाबर आजम का नाम चल रहा है। तो बाबर आजम का नाम चल रहा है तो आप जानते ही होंगे ना इसी को। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज नहीं रहा। तो बाबर आजम की हर जगह बात हो रही है और वो जहाँ देख लो आप तो उसी के ही चर्चे हैं। वही उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। पूरी क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा के रखी हुई है हर जगह। जहाँ T20 में देख लो तो उसने अपना लोहा मनवाया है, और अगर देख लो वनडे में देख लो उसने अपना लोहा मनवाया है, और अगर तो बात करो टेस्ट मैच की तो वहाँ पे भी उसने अपना लोहा मनवाया। तो अब तो T20 ने में भी उसने तारीख रकम कर दी है। तो वेल डन बाबर आजम, और अभी सबको हैरान कर दिया। तो उसका मुआवजा किया जा रहा था, मैं देख रहा था पिछले दिनों में, तो उसका मुआवजा किया जा रहा था विराट कोहली से। तो विराट से भाई उसका मुआवजा नहीं करो, अभी ये स्टार्टिंग है, अभी बाबर आजम का स्टार्ट है। और वो इंशाल्लाह तुम लोगों को जैसे परेशान किया ना, ये स्पेशल मेरी इंडियन मीडिया के लिए है कि जैसे उसने हैरान परेशान 3-4 सालों में किया है ना क्रिकेट की दुनिया को, ऐसे ही वो आगे भी करेगा। तो हम सबको बाबर आजम के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उसे नज़रबद से बचाए और उसके लिए दुआ करें, और भी कामयाबियों के लिए उसकी राह हमवार करें। और रिजवान, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मुझे तो रिजवान बहुत पसंद है। और जो उसका मतलब के नेचर और उसकी बैटिंग और उसके अलावा जो मतलब के वो स्पीच देते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। तो ऐसे चाहिए यार। तो तुम लोग भी उसके बाबर आजम के लिए दुआ किया करो, क्योंकि अभी हमारा लड़का नज़र में आ जाएगा। तो बचा के रखो भाई और उसके लिए दुआ करते रहो। और बस इतना ही, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और हम बात करेंगे फिर से एक नए टॉपिक पे जो तुम लोगों को पसंद आएगा। और मैं अभी बाहर घूमने के लिए निकला हूँ, तो धूप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप है, पसीना आ रहा है मुझे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि घर वापस जाऊँ, क्योंकि काफ़ी घूम लिया हूँ मैं। और बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह व्लॉग्स देखते रहिएगा। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाबर आजम के लिए ख़ास करके ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अगेन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को, व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाजमी, या चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है? और बाय बाय, टाटा, सी यू, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए व्लॉग में।